दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी कहर बरपाती हुई गेंदों से साउथ अफ्रीका को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप में शामिल करने का वीरेंद्र सहवाग ने ऐलान कर दिया। वीरू के कहने पर बीसीसीआई कुलदीप यादव को विश्व कप में शामिल करने का विचार कर रही है, तो क्या कुलदीप यादव को विश्व कप में मौका मिल सकता है और ऐसा क्या कहा वीरेंद्र सहवाग ने जो भारतीय क्रिकेट में सनसनी बन गया, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि कुलदीप यादव को विश्व कप टीम में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम में लगातार अपनी जगह तलाश रहे कुलदीप यादव एक बार फिर से भारतीय टीम में वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें कि 2019 विश्व कप के बाद लगातार कुलदीप यादव को उनकी खराब फॉर्म के कारण भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई है। हालांकि उससे पहले कुलदीप यादव भारत के प्रमुख स्पिन गेंदबाज थे जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर 2019 विश्व कप की शिरकत की है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उनकी फॉर्म में इस कदर गिरावट आई कि उन्हें आईपीएल की टीम तक से ड्रॉप कर दिया गया, जहां उन्होंने पिछले दो सालों में काफी कम मैच खेले हैं। लेकिन अब कुलदीप यादव ने अपनी शानदार फॉर्म में वापसी कर ली है। जी हां, पहले उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया जिसके दम पर उन्हें न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारतीय टीम में चुना गया और उन्होंने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड ए के खिलाफ हैट्रिक लेकर भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली। एक बार फिर से अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में कुलदीप ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम के विकेट की याद दिलाते हुए ऐसा करिश्माई गेंद डाली जिसके आगे आपको बता दें कि पूरी की पूरी जो साउथ अफ्रीका की टीम है बेबस नजर आ रही है। उनके तीन विकेट गिर चुके हैं और कुलदीप की करिश्माई गेंद को देखकर भारतीय टीम भी दंग रह गई। अब कुलदीप यादव की खतरनाक फॉर्म को देखकर भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कुलदीप यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भारतीय क्रिकेट में भूचाल मचा दिया। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलती है और वहां कुलदीप यादव जैसे चाइना मैन गेंदबाज भारतीय टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचें अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुलदीप की वेरिएशन उन्हें ऐसी पिचों पर एक शानदार गेंदबाज बनाती है। जहां हर एक गेंदबाज विकेट लेने में नाकामयाब हो सकते हैं, वहां कुलदीप यादव एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो उन सपाट पिचों पर भी स्पिन कराकर बैट्समैन को चारों खाने चित कर सकते हैं। ऐसे में कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना बीसीसीआई को विचार करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि हमारे पास जितने खतरनाक खिलाड़ी होंगे हमारे विश्व कप में जीतने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कुलदीप यादव को विश्व कप में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।